हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट बीके मिश्रा आपका लालाजी लॉ एकेडमी जबलपुर के लॉ लेक्चर की सीरीज में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम हमारे समाज में प्रचलित एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द के विषय में चर्चा करेंगे, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जिसका परिचय दिया गया है, जिसको हम सब विक्रय के नाम से जानते हैं, सेल। संपत्ति अंतरण अधिनियम में सेल विक्रय संपत्ति के अंतरण का एक प्रकार होता है, जिसमें संपत्ति कैसे अंतरित होगी इसके विषय में बताया गया है। सेक्शन 54 से लेके सेक्शन 57 तक में विक्रय के संबंध में संपूर्ण जानकारी संपत्ति अंतरण अधिनियम में दी गई है, जिसका सेक्शन 54 इसके परिभाषा के बारे में बात करता है, जिसमें ये कहा गया है कि संपत्ति का अंतरण स्वैच्छिक अंतरण है, वॉलेंटरली ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर अ प्राइस। तो संपत्ति का एक स्वैच्छिक अंतरण जो एक कीमत के बदले दिया जाता है वो विक्रय कहलाता है, ऐसा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में बताया गया है। अब जब हम किसी संपत्ति का अर्थात जब हम अचल संपत्ति का अंतरण करते हैं तो उस अंतरण में कौन सी चीज जाती है, तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप स्वामित्व का अंतरण होता है इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। एक कीमत के बदले हम स्वामित्व का अंतरण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस पेन को सेल करना है, तो इस पेन की एक कीमत मैं अपनी तरफ से निर्धारित करूंगा, सामने से जो भी व्यक्ति आएगा इसकी वो कीमत मुझे देगा, मैं वो कीमत रखूंगा और ये पेन उसको अंतरित कर दूंगा। अब वो व्यक्ति इस पेन का मालिक हो गया क्योंकि मेरे पास से उसका ऑनरशिप चला गया, संपत्ति का अंतरण हुआ। अब ये अंतरण होता कैसे है, तो इसको समझने के लिए संपत्ति की वैल्यू पे जाना पड़ेगा। संपत्ति की वैल्यू अगर 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा है तो ऐसा अंतरण बाई रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा होगा, ठीक है। और अगर संपत्ति की वैल्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से कम है तो अगर हम चाहें तो बाय रजिस्ट्रेशन या अगर चाहें तो परिधान, संपत्ति के परिधान अर्थात डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के द्वारा भी ऐसा सेल किया जा सकता है। जब हम सेक्शन 54 को पढ़ते हैं तो हमको एक शब्द मिलता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल पक्षकार आपस में जिन शर्तों को तय करते हैं कि भविष्य में इन चीजों को हम लागू करेंगे वही बनता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, मतलब टर्म सेटल बिटवीन पार्टीज। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसके आधार पे हम किसी संपत्ति में कोई क्लेम कर सकते हैं, तो नहीं, इसके आधार पे हम संपत्ति पे कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक। डज नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट और चार्ज, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के माध्यम से हम संपत्ति पे कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्रीमेंट फॉर सेल से अलग होता है।